गलत परंपरा का शुरुआत कीजिए तो सबकुल के लिए बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर चर्च भी होना चाहिए, तो वहाँ पर गुरुद्वारा भी होना चाहिए। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? हेमंत जी ने जिस गलत परंपरा की शुरुआत की, एक वोट बैंक की राजनीति का, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कटाक्ष है। मेरे भाई, मेरे एक विषय पर कटाक्ष है। जो गलत परंपरा की शुरुआत करेंगे तो भविष्य क्या होगा उसकी कटाक्ष नहीं है। झारखंड में विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए एक रूम आवंटित की गई है, क्या आने वाले दिनों में ऐसा है कि बिहार में भी मंदिर का निर्माण किया जाए? देखिए, हमारे बिहार में और देश में स्पष्ट रूप से जो विधानसभा है वहाँ पर संविधान का पूजा होना चाहिए। लोकतंत्र का वो मंदिर है, वहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर आते हैं और राज्य और देश के विकास की बात करते हैं। वहाँ धर्म के आधार पर अगर विभाजन होगा, कमरों का आवंटन होगा, तो निश्चित रूप से गलत संदेश जाएगा। झारखंड में भी हमारे जो भी विधायक लोग हैं, सब लोगों ने इसी पर प्रतिकार किया कि ये परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए और एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, जाति विशेष को खुश करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के जो महत्ता का जगह है उसका अपमान नहीं। नेता ने तो मांग की थी, कहा कि अब हिंदुओं के लिए और अधिक संख्या वाले, इसीलिए बोले ना, गलत परंपरा का शुरुआत कीजिए तो सबकुल के लिए बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर चर्च भी होना चाहिए, तो वहाँ पर गुरुद्वारा भी होना चाहिए। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर हैं, हेमंत जी ने जिस गलत परंपरा की शुरुआत की, एक वोट बैंक की राजनीति का, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कटाक्ष है। आप लोग विरोध करेंगे अगर भविष्य में इस तरह की ऐसे कोई चीज़ होने ही नहीं जा रही है तो आपको विरोध करने की क्या हो सकता है? ऐसा कोई चीज़ होने वाला है? आप कैसे सोचते कि जो चीज़ें कहीं गलत हो रहा है तो यहाँ भी होगा? हम लोग ये करते हैं, हम लोग विकास में उनको, जब हमारे यहाँ सबसे अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, हमारे यहाँ मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए उसके बाउंड्री वाल, हम समाज से जुड़े हुए विषय को कर, जहाँ लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ संविधान की पूजा होनी है, वहाँ पर राजनीति मत कीजिए और वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन मत कीजिए। पर आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक जगह बनानी चाहिए। मेरे भाई, मेरे एक विषय पर कटाक्ष है। जो गलत परंपरा की शुरुआत करेंगे तो भविष्य क्या होगा उसकी कटाक्ष नहीं होती है। ये किसी भी विषय का स्पेसिफिक अगर आप बताएंगे तो हम स्पेसिफिक आपको जवाब उसका दे पाएंगे। आपने अभी कई सवाल इस विषय को उठाए, हम अभी यहाँ बैठे हैं, अभी 8-10 लोग से हम खुद बात किए हैं, जहाँ जहाँ पर संबंधित व्यक्ति को वहाँ भेजे, उसके बाद वहाँ पर जो नियम पूर्वक हो सकता है उस पर कार्रवाई होना, जो नहीं हो सकता अधिकारी भी, कोई भी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं तो वो भी निर्णय करने के पहले देखेगा ना कि इसका तथ्य क्या है। और एक चीज़ समझिए कि कोई भी जगह पर सहयोग करने के लिए कार्यालय खुला है, ये नहीं कि हर चीज़ का 100% निराकरण हो जाएगा, ऐसा ना कमिटमेंट हम लोगों ने कभी किया है, ना हम अपने घर में भी बैठते हैं अगर जनता के बीच में, तो वहाँ भी हम लोग समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण की करते हैं। ये पूरे बिहार भर के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए एक फोरम है जहाँ पर जनता अपनी बात रख सकती है और उसका समाधान, कई लोगों का यही कार्यालय में लोगों ने आके बताया कि समाधान भी हुआ है, लेकिन अभी फिर भी मैं ये नहीं कहता कि 100% चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक परंपरा जो हम लोगों ने आज से बहुत पहले शुरुआत की है, उस परंपरा को हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं और मेरा मानना है कि इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस कॉन्फिडेंस और विश्वास के बल पर हम लोग काम करते हैं। एक सवाल है नितिन नवीन जी की, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की पर उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जातीय जनगणना को लेकर, मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या वो अपने परिवार में भी जनगणना कराएंगे? कि परिवार के लोगों को अधिकार देने की जो बात वो कर रहे हैं, समाज को, अपने पार्टी में समाज के लोगों को अधिकार दिया है उन्होंने उस जनगणना के आधार पे, पार्टी में कितने बड़े पदों पे उन्हीं के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस पे जनगणना नहीं हुआ है क्या आज तक? प्रधानमंत्री जी हर विषय पर समय आने पर निर्णय करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो भी इस देश के हित में होगा, जो भी इस राज्य के हित में होगा, प्रधानमंत्री जी जरूर उस पर निर्णय करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर पुनार एरिया में है, वहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है वो ट्रकें आती हैं, लेकिन उसकी स्थिति आज से लेकर 10 साल पहले तक स्थिति नहीं सुधरी है। आप भी एक बार वहाँ विजिट पर जा चुके हैं, हमने देखा है, आप जब उस वक्त विधायक थे, आखिर वहाँ पर स्थिति ऐसी क्यों है, कब उसका निराकरण होगा? और वहाँ कई लोग जो है अभी भी मैनहोल में गिर जाते हैं और कचरा का यार्ड बन जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का जो सड़क है उसको हम लोग अभी पथ निर्माण में लेने वाले हैं, अभी वो नगर विकास के अंतर्गत ही था। हम लोगों ने अभी जो 20 फीट से ऊपर की सड़कें हैं, चूँकि हेवी ट्रक का मूवमेंट वहाँ हो रहा है और जो भी सड़कें नगर निगम या नगर विकास से जो भी सड़कें बनती रही हैं वो कहीं ना कहीं वो हेवी 12 चक्का और 20 चक्का की गाड़ियाँ जब आती हैं तो वो ध्वस्त हो जा रही हैं।
तो अभी नगर निगम ने हम लोग को वो सड़कों को देने का काम शुरू किया है, तो हम लोग 20 फीट से जो ऊपर की सड़कें हैं उसको हम लोग लेने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर भी उसी में आता है। वहाँ पर अभी भी हाल में ड्रेन बना था जो, लेकिन बड़े ट्रकों के आवागमन से वो फिर ध्वस्त हो गया, तो हम लोगों ने उसको अपने पास लेने का शुरुआत हुआ है और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में हम लोग उसको करेंगे।